सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी ज्यादा ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली अभीर की परवरिश को लेकर, जो अब अक्षरा सवाल उठाने वाली है अभिमन्यु और मंजरी पर। अक्षरा ने एक ऐसा बेटा दिया था अभिनव को जो वेल बिहेव था, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखता था और सबसे अच्छे से बात करता था, लेकिन अब अभीर के ऊपर इमोशनली इतना ज्यादा प्रेशर है, वो मेंटली ऐसी स्टेट में है जहाँ ना वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा है, ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, और अक्षरा को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसी के चलते वो अभिमन्यु और मंजरी पर सवाल उठाती दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ अभिनव और अक्षरा जिस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं अभीर की अपब्रिंगिंग के लिए ट्विटर यूजर्स ने अपने अपने रिव्यूज भी दिए। एक ने कहा, कॉज यू आस्क मी वाई आई एम स्टक एट अभीरा, आई डिमांड अभीरा सेंट्रिक ट्रैक्स, हेयर्स प्रूफ वाई दिस केमिस्ट्री इज अडिक्टिव, ओनली रीजन आई एम स्टिल वॉचिंग पथेटिक स्टोरी ऑफ एंडलेस मिसफॉर्च्यून, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मोस्ट डिप्रेसिंग शो देन हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर टुगेदर गेट माई हार्ट रेसिंग। एक और यूजर ने कहा, टुडेज एपिसोड शोड आफ्टर अफेक्ट मंजरी एंड अभिमन्यु बिरलाज अपब्रिंगिंग ऑन अभीर, इट ऑल्सो मीन्स रूहीज गुड मैनर्स इज फ्रॉम आरोही टीचिंग्स एंड वायलेंट बिहेवियर एज इन समर कैंप इज ड्यू टू दीदा एंड पॉपीज अपब्रिंगिंग। एक और यूजर ने कहा, अभीर ममा पापाज हेजिटेशन इन बिलीविंग वॉट देयर सन हैज बिकम एंड देयर कॉन्फिडेंस दैट दे कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। अभिनव और अक्षरा की केमिस्ट्री के लिए भी बहुत से यूजर्स ने ट्वीट किया। एक ने लिखा, आफ्टर एजेस अक्षनव्स हग दे आर सो हैप्पी। एक और यूजर ने कहा, और कितनी बार दिल जीतोगे अभिनव, यू आर द बेस्ट एंड ओनली चॉइस फॉर अक्षु। आपको क्या लगता है कि अभिमन्यु इन उलझे हुए रिश्तों को कैसे सुलझाएगा और अपने बेटू अभीर को कैसे संभालेगा?